वेलकम बैक। एक्साइज की क्लासेस में फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम कास्केडिंग इफेक्ट को एक बार डिस्कस करेंगे। देखिए, बीइंग ए अकाउंट्स प्रोफेशनल्स, आपको बहुत से टैक्सेस में काम करना होता है, जिसमें सेल्स टैक्स है, वैट है, सर्विस टैक्स है, इवन इनकम टैक्स है, टीडीएस कॉन्सेप्ट है आपके पास, तो बहुत सारे टैक्सेस हैं। अब यहाँ पे हम लास्ट क्लासेस में हमने एक बार डिस्कस की थी कि देयर इज नो ड्यूल टैक्सेस क्लास इन इंडिया। इट मींस क्या हुआ कि अगर एक टैक्स एक बार आपने गवर्नमेंट ने अगर एक टैक्स एक बार लग गया तो उसके बाद वही टैक्स दोबारा रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर हम कास्केडिंग इफेक्ट की बात करें तो ये उससे मिलता जुलता ही कुछ वर्ड है, तो उसको एक बार हम स्टडी करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि जो हमने डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हमें हैंडल करने पड़ते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, सो दैट कि हम हर टैक्स की एक लाइबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम उनके आपस के रिलेशंस को भी एक बार देख सकें। देखिए, अगर हम टोटल टैक्सेस की बात करें हिंदुस्तान में जो टैक्सेस हैं, सबसे पहले टैक्सेस स्ट्रक्चर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है और साथ में टीडीएस टीसीएस कॉन्सेप्ट भी आते हैं, और इनडायरेक्ट में कस्टम एक्साइज वैट सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स है। बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिसमें एसएससी यानी टैक्स पेयर खुद डिपॉजिट कराता है और उसमें बर्डन जो है टैक्स की बर्डन 1% टू अनदर पर्सन शिफ्ट नहीं होती। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, तो सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो टैक्सेस आते हैं जिनके बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट की जा सकती है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की सीरीज में हमारे पास ये कुछ टैक्स हैं। तो सबसे पहले हम इन टैक्सेस की लाइनअप देखेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने कस्टम पे की है तो क्या आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, और अगर आपने एक्साइज ड्यूटी पे की तो क्या आपको सेल्स टैक्स भी लगेगा या आपको सर्विस टैक्स भी लगेगा, या आपने सारे डायरेक्ट टैक्सेस पे कर दिए तो क्या आपको सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सॉरी पे कर दिए तो आपको क्या डायरेक्ट टैक्सेस भी लगेंगे। तो हम इसी बात को और साथ में हम कास्केडिंग इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हर टैक्स का अपना एक रोल होता है। अगर हम कस्टम की बात करें तो कस्टम इंपोर्ट पे लगता है, तो किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना वो अपने आप में एक अलग इवेंट बनना है गवर्नमेंट ने। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है एक्साइज, तो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना अपने आप में अलग इवेंट है, तो ये अलग से टैक्सेबल है। तो मैन्युफैक्चर करना एक अलग इवेंट है, अगर उस प्रोडक्ट को हम सेल्स करते हैं तो सेल्स करना अलग इवेंट है, तो अलग उसमें टैक्सेशन के प्रोविजंस है। अगर कोई हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस जो फैक्टर है वो एक अलग इवेंट है, तो उसमें जो टैक्सेशन के प्रोविजंस वो अलग है। इन सब के बाद अगर आपको कोई इनकम होती है तो इनकम टैक्स अपने आप में अलग से अराइज होगा। तो इन टैक्सेस का एक बार हम एक एग्जांपल्स के जरिए हम अच्छे ढंग से समझ पाएंगे रिलेशंस कि किस टैक्स का क्या रेलिवेंस है। तो सबसे पहले हम जो हमारा सीक्वेंस है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारी कंपनी एयर कंडीशनर्स मैन्युफैक्चर करती है, और एयर कंडीशनर्स की अगर हम बात करें तो हम पूरा एयर कंडीशनर खुद बनाते हैं, लेकिन उसका जो कंप्रेसर है वो किसी दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं। तो जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी उसके ऊपर, जिसे हम कस्टम बोलते हैं। फिर उसके बाद जब मैन्युफैक्चर करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपका एक्साइज ड्यूटी लगेगी, फिर उसके बाद सेल्स टैक्स भी लगेगा, सर्विस टैक्स अगर वहां पे कोई सर्विस फैक्टर अवेलेबल है। तो हम इसको सारे को एक एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। सपोज करो, चलो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारी कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है उसका नाम है एयर कंडीशनर या एसी बोल दीजिए आप। तो सबसे पहले हमने कंप्रेसर इंपोर्ट किया, तो जब हम इंपोर्ट की बात करेंगे, इंपोर्ट जो हमारी वैल्यू है वो सपोज करो 8000 है, हमने 8000 का कंप्रेसर जो है इंपोर्ट किया, और उसके ऊपर हमने ऐड करेंगे, हमने कस्टम पे की है, कस्टम इसके ऊपर सपोज करो 2000 है, कस्टम ड्यूटी इस पे, कस्टम ड्यूटी हमने 2000 पे की है, तो जो हमारी टोटल वैल्यू आई अब इंपोर्ट की इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी, दिस इज 10000। अब हमने जो रिमेनिंग एयर कंडीशनर्स है वो खुद अपना मैन्युफैक्चर किया, तो उसमें जो अदर रॉ मटेरियल्स है या जितने भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग अवर मार्जिन, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमने ऐड किए, सपोज करो वो आते हैं 40000। हम इसमें ऐड अनदर, इसमें जो हमने किया अदर प्रोडक्ट्स की जो भी वैल्यू है, अब हमारी जो कॉस्ट आई है वो आई है 50000। अब एक्साइजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम असेसेबल वैल्यू बोलेंगे, ये हमारी क्या होगी असेसेबल वैल्यू। अब इस असेसेबल वैल्यू पे जो अगला टैक्स लगेगा वो लगेगा एक्साइज,
अब एक्साइज पोज करो एट द रेट ऑफ हमारे इस प्रोडक्ट पे 16% एक्सपोज करो, 16% के हिसाब से जब हम लगाएंगे तो ये आएगी 8000। अब हमारी जो कॉस्ट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी 58000 आ चुकी है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट सपोज करो हम एसी को बंडल में बेचते हैं, हम उसके साथ स्टेबलाइजर भी देते हैं, और सपोज करो ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती, तो उसकी कॉस्ट हम बाद में ऐड करेंगे। तो हम नॉन एक्साइजेबल गुड्स अगर कोई हम साथ में बंडल में हमारा जाता है, तो अब हमारे जो टोटल कंसिडरेशन अमाउंट है ये हमारी है सेल्स वैल्यू पूरे बंडल की 60,000। अब 60,000 के ऊपर अब जो लगेगा टैक्स वो लगेगा वैट, या हम सेल्स टैक्स भी से बोल सकते हैं। अब यहां सपोज करो ये एट द रेट ऑफ 12.5% लगता है, तो इसके ऊपर अगर 12.5% निकाले तो 7,500 आएगा। अब ये इसकी जो कॉस्ट पहुंच चुकी है वो 67500। लेकिन इस एसी को क्योंकि सप्लिट एसी है हम इंस्टॉल भी करवाते हैं, हम अगर डायरेक्ट इसको कंज्यूमर को बेचते हैं तो हमारी जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो है सपोज करो 2000। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस के ऊपर फिर लगेगा सर्विस टैक्स, और ये लगेगा एट द रेट ऑफ 12.36% जो आज की डेट में एप्लीकेबल है, और ये बनेगा तकरीबन 248 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ एजुकेशन सेस। अब अगर यहां हम निकालते हैं 84796, तो अल्टीमेटली जो ये कंज्यूमर है जो हमारा फाइनल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स वो 69,000 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशंस 69,748 रुपीज रहेगा। तो अगर हम टैक्सेस की एक बार लाइनअप देखें तो सबसे पहले अगर हमने किसी कंपोनेंट को इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, फिर उसके बाद जब असेसेबल वैल्यू निकालेंगे 50,000 और उस पर एक्साइज ड्यूटी निकालेंगे, इट मींस क्या हुआ कि जो आपने कस्टम ड्यूटी पे की थी वो भी इस 50,000 में इंक्लूडेड है। तो जब ये 8,000 हमारी एक्साइज ड्यूटी लगेगी, इट मींस क्या हुआ कि उस 2,000 के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग चुकी है, और इसी को हम टैक्स ऑन टैक्स को ही हम क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट। ये कास्केडिंग इफेक्ट इस एग्जांपल में कई बार आएगा। उसके बाद 58,000 में हमने 2,000 स्टेबलाइजर के चार्जेस लगाए जो कि एक्साइजेबल नहीं थी, तो उसके कॉस्ट हमने बाद में ऐड की। उसके बाद हमारा जो सेल्स कंसिडरेशन अमाउंट आया 60,000। अगर आप इस 60,000 को देखो तो दिस 60,000 इज इंक्लूसिव ऑफ दिस 8,000 ऑफ एक्साइज ड्यूटी 2,000 ऑफ कस्टम ड्यूटी, लेकिन सेल्स टैक्स इस पूरे अमाउंट के ऊपर लगेगा, और जब इसको पूरे पे हमने कैलकुलेट किया तो ये अमाउंट आया। फिर उसके बाद सर्विस, देखो सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स में या तो सेल्स टैक्स लगेगा या सर्विस टैक्स लगेगा, ये दोनों टैक्स ऑन टैक्स ये नहीं लगेगा यहाँ पे। हाँ, सिर्फ फूड के केस में हमने सर्विस टैक्स की क्लासेस में हम समझते हैं कि थोड़े पार्ट के ऊपर सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स इकट्ठा लग जाता है, नॉर्मली बाकी केसेस के अंदर नहीं है। तो यहाँ सर्विस चार्जेस के ऊपर हमारा सर्विस टैक्स गया 12.36% के हिसाब से। तो ये हमारा जो एसी था, एसी इंक्लूडिंग स्टेबलाइजर इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशंस एंड ऑल, हमारा 69,748 रुपीस में कंज्यूमर को पड़ा। तो अगर हम अपने टैक्सेस की बात करें तो अगर हम एक मैन्युफैक्चरर हैं तो कस्टम भी पे करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे, फिर उसके बाद हम सेल्स टैक्स पे करेंगे, फिर उसके बाद हम सर्विस टैक्स पे करेंगे, और उसके बाद अगर हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए गलती से इस कंपनी को तो फिर उसे इनकम टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स के साथ जो और दूसरे टैक्सेस हैं, जो और कंसेप्ट है TDS, TCS, उस कंसेप्ट को हैंडल करना है। साथ में अगर एप्लीकेबिलिटी है तो PF, ESIA, लेकिन टैक्स नहीं है तो ये भी हमारे अकाउंटिंग स्टेप्स में सारे जो है कैलकुलेशंस के मेथड रहते हैं। तो अगर हम एक टैक्स और दूसरे के बीच में रिलेशंस की बात करें तो कुछ ऐसे लाइनअप होगी, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। लेकिन इस सीरीज में जो हम बेसिकली स्टडी करेंगे वो टॉपिक रहेगा एक्साइज। ये हमारी बेसिकली एक्साइज की सीरीज है। तो एक्साइज आपकी असेसेबल वैल्यू, तो असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम आपकी सिर्फ कस्टम ऐड हो सकती है। देखिए, एक टैक्स के बीच में तो रिलेशंस होते हैं, जैसे कस्टम अगर आपने सपोज करो दूसरी कंट्री से मटेरियल इंपोर्ट किया और उसके बाद दोबारा दूसरी कंट्री में सेल कर दिया, तो जो आपने ड्यूटी पे की और जो आगे ड्यूटी आपकी बढ़ती है तो आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगी। सिमिलरली एक्साइज के केस में रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी पे की और जो आपने गुड्स रिमूवल के टाइम जो आपकी ड्यूटी लगी आपस में एडजस्ट हो जाएगी। सिमिलरली वैट में परचेज के टाइम आपने जो टैक्स पे किया, जो टैक्स चला गया आपका वो इनपुट बन जाएगा, और जो टैक्स आएगा वो आउटपुट, दोनों की एडजस्टमेंट होके।
सिमिलरली सर्विस टैक्स में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर हमने खुद कोई सर्विसेज ली है उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है। तो एक टैक्स के बीच में तो इंटर एडजस्टमेंट है, लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करें कि क्या एक्साइज का रिबेट, क्या कस्टम का रिबेट एक्साइज में मिलेगा, एक्साइज का रिबेट सर्विस टैक्स में मिलेगा, या सर्विस टैक्स का रिबेट किसी दूसरे टैक्स में मिलेगा, तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको नॉर्मली एक टैक्स का दूसरे टैक्स के बीच में, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट यूनिट माना जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट माना जाता है, तो बेसिकली इंटर रिलेशन के केस में यहाँ पे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। हाँ, एक्साइज और सर्विस टैक्स के बीच में जरूर थोड़ा सा आपको रिबेट मिल जाते हैं, अदरवाइज बाकी केसेस के अंदर आप इस रिबेट को ढूंढते रह जाओगे। तो नॉर्मली अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो ये आपके टैक्सेस की लाइनअप रहेगी, और इस सीरीज में हम एक्साइज की बात करेंगे, एक्साइज कैलकुलेट करने की बात करेंगे। तो आप इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा कि जब हम एक्साइज कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा टैक्स आपने असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम एक्सक्लूड करना है, कौन सा इंक्लूड करना है। तो जब आप इस लाइनअप को अच्छे ढंग से समझते हो, बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है, जब एक अकाउंट्स प्रोफेशनल्स काम करता है कई डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट में एक एक्साइज को अलग से पर्सन हैंडल करता है, सर्विस टैक्स को अलग से, अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सपोज करो सेल्स टैक्स के लिए अलग, लेकिन आपस में सिंक्रोनाइजेशन की कमी की वजह से फिर गलतियां कर बैठते हैं अकाउंट्स प्रोफेशनल। तो अगर चाहे आप किसी एक फील्ड में काम करो, लेकिन आपको दूसरी फील्ड की नॉलेज होनी जरूरी है, सो दैट वो सिंक्रोनाइजेशन की अगर हम बात करें वो बना रहे आपस में। तो लेकिन एक अकाउंट्स परफेक्ट, अगर आप इंडिपेंडेंट काम करते हो और ये सारे टैक्स आपको हैंडल करने हैं, फिर तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत मेरे ख्याल में नहीं आएगी अगर आपको नॉलेज है तो। तो बेसिकली इस लाइनअप को आप ध्यान में रखते हुए कल जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे, जब अकाउंटिंग आप लिखोगे, तो इन खास तौर पे ये जो आपके हैं काफी काम आएंगे। तो अगर हम कास्केडिंग इफेक्ट की एक बार और बात करें, तो उसमें अगर आप स्टेप स्टेप्स पे कई बार कास्केडिंग इफेक्ट आ चुका है, तो ये बात तो ठीक है कि ड्यूल टैक्सेस नहीं है, कि टैक्स एक बार लग गया तो दोबारा नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स के ऊपर टैक्स जरूर लगता है हिंदुस्तान में, और उसी को हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ड्यूल टैक्सेशन को रिमूव करने के लिए जैसे एक्साइज में सेनवेट या मोडवेट स्कीम आई है, और वैट के अंदर आपका इनपुट, आपका जो है इनपुट वैट है, और सर्विस टैक्स में इनपुट टैक्स है, सर्विस टैक्स में भी इनपुट सर्विसेज है, ये सारी लॉन्च की गई हैं। लेकिन एक टैक्स के बीच में तो ड्यूल नहीं है, लेकिन सारे टैक्स से एक टैक्स दूसरे के ऊपर जब लगता है तो वो कास्केडिंग इफेक्ट बनता है। तो ये तो थी लाइनअप, होप सो कि आपकी हेल्प, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एक्साइज को और आगे समझने के लिए, ताकि आप अकॉर्डिंग टू जो है रिक्वायरमेंट काम कर सको। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी अगली क्लासेस देखिएगा। थैंक यू।